हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो भी डाटा हमने पिछली वीडियो में डाउनलोड किया था यूएसजीएस के माध्यम से, उसमें आपके लैंडसेट के सैटेलाइट के हमने डाटा डाउनलोड किए थे। लैंडसेट 8 को हमने कवर किया था और लैंडसेट 8 के डाटा के माध्यम से आप QGIS में कैसे यहाँ पर इंडेक्सेस बना सकते हैं, NDVI के बारे में हम स्पेशली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस मेथड के थ्रू आप NDVI क्रिएट कर सकते हैं वो भी आपके साथ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं सर। रही सबसे पहले तो NDVI इंडेक्स से पहले हमें लैंडसेट 8 के बारे में पता होना चाहिए कि आपका इसमें आपके कौन कौन से बैंड किस किस से आपके यहाँ पर के लिए डिनोट किए जाते हैं और उसकी क्या वेवलेंथ रहती है, क्या रेजोल्यूशन रहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन रही जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा NDVI आपके जो भी इन्फॉर्मेशन, अगर बात करें आपके इंडेक्सेस, अगर आप कोई भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी इमेज आपकी मल्टी बैंड इमेज होगी, यानी कि एक से ज़्यादा इमेजेस यूज होंगी अगर कोई भी इंडेक्स हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको NDVI की बात करें तो आपके बहुत से आपके वेजिटेशन और सोइल इंडेक्सेस हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इंडेक्स है, काफ़ी पॉपुलर है, NDVI यानी कि नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप कैसे आप दो बैंड के थ्रू मल्टी स्पेक्ट्रल रास्टर डाटाबेस के थ्रू आप उसमें जो भी आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है, एब्जॉर्प्शन है रेड बैंड की, हाई रिफ्लेक्टिव प्लांट मटेरियल की NIR बैंड से आपकी पता लगा सकते हैं कि एंड वहाँ की जो वेजिटेशन है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी या फिर उसकी क्या उसके ग्रीनेस से पता लग सकता है कि वो कैसी है, ठीक है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो NDVI का फॉर्मूला ये है, ये आपके यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो नियर इंफ्रारेड है वो कौन सा बैंड होता है। तो नियर इंफ्रारेड यहाँ पर 5 बैंड होता है, 5th बैंड जो लैंडसेट का होता है, और आपका रेड बैंड है वो आपका 4th बैंड रहता है, ठीक है। एक तरीके से ये आपके रहते हैं। यहाँ पर जो भी इंडेक्स आप आउटपुट में लेकर आएंगे उसकी वैल्यू आपके -1 से लेकर +1 के बीच में आपके देखने को मिलेगी। डायरेक्ट हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर QGIS ओपन कर लेना है। QGIS की मेन विंडो यानी कि आपके स्टार्टिंग विंडो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऐड लेयर करनी है, रास्टर लेयर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद जहाँ भी आपका फोल्डर है वहाँ फोल्डर में आप जाएंगे और उस इमेज को आप यहाँ पर एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके लैंडसेट के लिए हमें 4 और 5 ये इंडेक्स निकालने के लिए 4 और 5 आपके दोनों के दोनों बैंड हमें चाहिए, ठीक है। इसको इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी सभी इमेजेस अलग हो जाएंगे और उनको हम सिलेक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे, ये आपका कर्सर दिखाई दे रहा है, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, हमें इतना काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, रास्टर कैलकुलेटर में जाना है, रास्टर कैलकुलेटर, और रास्टर कैलकुलेटर के माध्यम से आप यहाँ पर ये फॉर्मूला है वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो आपका NDVI के फॉर्मूला आपका अभी अभी हमने देखा कि क्या है, आपका ये फॉर्मूला आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो नियर इंफ्रारेड आपका कौन सा बैंड है ये आपको पता होना चाहिए, हमारा 5th बैंड है। तो 5th बैंड हमारा कौन सा है, ये आपका 5th बैंड है, ठीक है, ये 5th बैंड हो गया। इसके बाद आपका रेड बैंड 4th बैंड है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, यह हमने ऐड कर दिया। इसके बाद डिवाइड, नियर इंफ्रारेड के जगह हमें यहाँ पर 5th बैंड, रेड बैंड हमारा कौन सा है 4th बैंड है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अभी एक्सप्रेशन वैलिड है, आपका आउटपुट लेयर हमें कहाँ लेकर जानी है, कहाँ पर हम वो फाइल सेव करें, तो ये आपका जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी फाइल का नाम दे देंगे NDVI फॉर एग्जांपल, ठीक है, NDVI आपका यहाँ पर कोई भी फोल्डर में आपका दे देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल NDVI इस फोल्डर का नाम दे दिया, इसके बाद आपका यहाँ पर हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर अगर आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक नहीं होगा तो एक्सप्रेशन इनवैलिड दिखा देगा, और अगर आपका बिल्कुल फॉर्मूला ठीक है, आपने आउटपुट लेयर के सोर्स भी दे दिया, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन वैलिड शो करेगा, ठीक है, ओके कर देंगे।
यहाँ देखिए हमारे दो बैंड आपके देखने मिलते हैं, आपके 4 और 5 हमने इंसर्ट किए हैं। यहाँ पर कैलकुलेटिंग रास्टर एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, यहाँ पर ये एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर है ये इसको NDVI कैलकुलेट कर रहा है आपका। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी आपकी फुल हो जाएगी, यानी कि आपके कैलकुलेट कर लेगा, उसके बाद आपका NDVI आपकी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो NDVI इंडेक्स आपका ये आपका बनकर आ गया। NDVI जो हमने देखा आपका यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी, हमारी वैल्यू आउटपुट वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखें हमारी वैल्यू क्या रहती है, आपके 0.99 से लेकर आपके -0.28 के बीच में रहती है। तो एक तरीके से यहाँ पर हमने जो भी आपका NDVI इंडेक्स कैलकुलेट किया वो बिल्कुल हमारा सही है, और हमने जो भी आपका यहाँ इस लैंड यूज़ के थ्रू जो भी आपकी फाइंड आउट करने का प्रयास किया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी डिफरेंट आपके इंडेक्सेस होते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके बहुत से इंडेक्सेस आपके यहाँ पर मेंशन है, जैसे सावी, आपका सावी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके इसके अलावा वारी इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, NDSI जो वाटर इंडेक्सेस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस सेम रहेगी, इसको आप फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो में और कोई टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।